दोस्तों दारोमन ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बारिश सुबह से हो रही थी, बारिश का नज़ारा बहुत अच्छा था। सुबह से बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हुई कि ताप तालाब झरने सब एक हो गए। ये हमारे चौरा रोड उन्नाव का सीन है, चौरा बाज़ार का है। चौरा बाज़ार में इतना पानी भर गया कि पानी ऊपर तक पहुँच गया है, हालांकि एकदम ऊपर ऊपर तक पानी भर गया है। इस चौरा बाज़ार का सीन है ऐसा कि देख रहे हैं आप लोग। और प्यारे दोस्तों आप लोग कैसे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग कैसे हैं। ऐसे हम ब्लॉग्स बना पा रहे हैं, चौरा रोड का है। और ये दो लफंगे दोस्त आ रहे हैं, अंकित सेंगर और पंकज, ये दो लफंगे दोस्त आ रहे हैं। कृपया इन्हें घर में चैन नहीं मिलता है। उधर मछली देखने चल रहे हैं हम लोग, देख रहे हो भाइयों कैसा पानी भरा हुआ है, बहुत तेज का पानी भरा हुआ है। यहाँ पे हमारे मोदी जी के दामाद बाहर खड़े हुए हैं, वो कहीं आ जा नहीं सकते हैं, बीच में ही खड़े हैं, रात दिन ऐसे ही खड़े रहेंगे, सेवा कर रहे हैं पानी की। ये हमारे चौरा बाज़ार का मेन गोल चौराहा है, यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान मिल जाता है। चौरा बाज़ार उन्नाव चौरा रोड है। हम लोग फतेल्लापुर की रोड क्रॉस करके अब नौरंगाबाद की रोड पे कदम रख रहे हैं। ये समोसे की दुकान है, यहाँ पे दोनों समोसा पूछते हुए। और यहाँ का प्रधान बिल्कुल भी समझ लो लग रहा, प्रधान जी हमारे ध्यान नहीं दे रहे हैं, रोड बहुत छोटी और टूटी फूटी है। यहाँ के निवासी कैसे भी ट्रेवल करते हैं साइकिल से। आप देख सकते हैं दो गाड़ी आमने सामने से नहीं निकल सकती, बिल्कुल नहीं निकल सकती हैं, वो अब बिल्कुल जगह देख रहे हैं। देख सकते हैं इस रोड की कितनी दयनीय दशा है, टूटी फूटी सड़कें, जहाँ देखो गड्ढा वहाँ पैर रख दो थोड़ा जॉइंट ही उखड़ जाए। हाँ जैसे कि बात कर रहे थे वर्षा की, आज वर्षा मैडम एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत ली हैं, आज वर्षा मैडम ने बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस ली हैं, सुबह से एक्स्ट्रा क्लासेस ले ही जा रही हैं, समझ लो 8 घंटे से एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं उनकी, अभी 5 बजे ख़त्म हुई हैं, शाम के 5 बज रहे हैं। ये हरियाली है चौरा बाज़ार के, चौरा गांव की, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ की हरियाली देख के, गांव का नज़ारा देख के। और हम लोग जा रहे हैं, लोग फिश पकड़ रहे हैं, फिश देखने जा रहे हैं। पानी बरस जाने से मौसम में अच्छी रवानगी आ गई है, काफ़ी ताजगी आ गई है, मगर जो किसान का नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सारे गेहूँ क्या कहते धान, सॉरी धान सारे पलट गए हैं, और आलू के लगाई हुई बारियाँ बिगड़ गई हैं, धान पूरे लेट गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं देसी तरीके से फिशिंग करते हुए हमारे छोटे छोटे गाँव के बच्चे चौरा के, हम साईपुरम में रहते हैं, वो मछली निकाल के रोड में ही डाल रहे हैं गड्ढे में, क्योंकि पानी इतना ही भरा है गड्ढे में कि वहाँ मछली गिर सकती है। और हमारे पंकज और अंकित सेंगर भाई मछलियाँ देखते हुए, देसी तरीके से 4 मछली पकड़ी गई, पंकज हमारे मछली को देखते हुए बहुत चिकन होती है, और चिकन मछली जिसे बोलते हैं सौरी, सौरी ने गिराई है, गिराई लिया का पानी, समय दीजिए यहाँ पे लगाइए थोड़ा सा बांध और लगाइए और लकड़ी रात भर लगा के छोड़ दो, बड़ी बड़ी मछली फंसेंगी इधर ही रात में। छोटे पैमाने में शिकार हो रहा है, पानी निकल रहा है, मछली भी निकल रही है, ऐसा पानी का बहाव देखने को नहीं मिलेगा तुम्हें। हमारे पंकज भैया निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं, सहायता कर रहे हैं मछली पकड़ने में, ये मछली पालन का ही विभाग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आईटीआई कर चुके हैं, आईटीआई डिप्लोमा धारी हैं,